प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें, आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। मैं तो यार बस यहाँ से अपनी ड्यूटी बदलवा के कहीं और जाना चाहूंगा, कम से कम एक दो घंटे का आराम तो मिलेगा। अरे तेरे को तो बस हर समय आराम की पड़ी रहती है, कभी काम करके भी खा लिया कर, हराम की रोटी तो तू हर रोज तोड़ता है। अरे हराम की रोटी मिलती कहाँ है आजकल यार, जब से ये नई दुकान खुली ना इस बिल्डिंग में ये ज्वेलरी की, तब से खड़े रह के ड्यूटी देनी पड़ती है। अरे ये दुकानें तो कुछ भी नहीं, ऊपर के माले पे जो नीलाम घर खुला है ना उसके बारे में सोच, अगर जरा सी भी इस बिल्डिंग में गड़बड़ हुई ना तो समझ अपनी नौकरी तो गई। इसका मतलब यहाँ कुआं तो यहाँ खाई। तो फिर चलो भी उधर, मैं इधर देख कर आता हूँ। जैसा सोचा था एकदम वैसा ही है। यस सर, अगर चोर घुस भी गया तो उसके लिए यहाँ से बच के जाना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, इसे कहते हैं हिफाजत, क्या नहीं सर। फिर तुम सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 पर हो गए, आज हमारे मुकाबले दूसरा कोई भी नहीं। बिल्कुल, एक सिक्योरिटी इंचार्ज के नाते तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भला। सर, यहाँ की देखभाल ठीक तरह से करना ही तो हमारा काम है और इसी बात के तो हमें पैसे मिलते हैं। जयंत, यस सर, इस जले हुए पुतले को यहाँ से बाहर निकाल दो। श्योर। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। वेल डन। एक बात आप लोग ध्यान से सुनो, कल यहाँ एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, इसलिए सिक्योरिटी हर तरीके से मजबूत होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? यस सर। तो अति कल की सब तैयारियां हो गई ना? जी सर। बस ये कल की नीलामी का काम सही तरीके से निपट जाए, काफी सारी टेंशन मेरे सर से उतर जाएगी। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है सर आपका, अगर सिक्योरिटी को लेते कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो सारी की सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। मालूम है, आज रात की नींद तो गई ना हमसे।
अगर सोइएगा भी ना तो आंखें खुली रख कर सोइएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई काम छूट तो ना गया। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम बचा है। बचा है? क्या सर? क्लाइंट की लिस्ट अभी तक मैंने नहीं देखी है। सॉरी सर, वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। एक मिनट सर, ये लीजिए सर। मगर इस लिस्ट में उन लोगों के नाम कहाँ हैं जो अपने आगे खानदानी और बेशकीमती जवाहरातों को नीलाम करने वाले हैं? उनकी भी लिस्ट बनाइए सर। एक मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, उसको मैं खुद देख लूंगा। फिलहाल तुम एक काम करो, जिन गहनों की नीलामी कल होने वाली है तुम उनको एक बार देख लो। ओके सर। ठीक है। ने तिजोरी के दरवाजे को जला के काटा है, अंदर से सामान निकाला है, मगर अलार्म नहीं बजा। क्यों? अलार्म क्यों नहीं बजा? अब इस बात का जवाब है किसी के पास? हाँ? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? सब अलार्म चेक कर लिए, सारे के सारे ऑन हैं। सारे के सारे ऑन हैं, इसके बावजूद अलार्म नहीं बजा। सर हम लोग भी हैरान हैं,
सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अलार्म क्यों नहीं बजा? चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि लेजर के किरने हैं या सिक्योरिटी में किस तरह से काम करती है। चलिए आइए। ये लीजिए सर। सर ये लेजर की किरणें इस दरवाजे से लेके तिजोरी तक जा रही है और कोई भी अंदर घुसेगा तो यहीं पे मर जाएगा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अलार्म तो बजेगा। बंद करो सर। मतलब सर चोर दरवाजे से अंदर आया ही नहीं होगा। तो फिर ये आया कहां से होगा? चोर रस्सी के सहारे इन लाइट के गाले में से अंदर आया होगा। अंदर आने के बाद उसने चोरी की और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल गया। ये चोरी कितने बजे हुई थी? सर यही कोई 9:30 बजे। 9:30 बजे। चलिए जरा तिजोरी के अंदर चल के देखते हैं। चलिए। अजीब चोर था ये। सिर्फ एक ही शेल्फ में से ज्वेलरी चुरा के ले गया वो। हाँ सर यहाँ पे उससे भी महंगी महंगी ज्वेलरी चोर के चला गया। मतलब इस चोर को पहले से मालूम था उसे क्या चाहिए, तो बस वही चुरा के भाग गया वो। सर आप रेडी? ये देखिए सर। ये किसी अंगूठी के पत्थर का टुकड़ा लगता है। आप में से कोई इस पत्थर को पहचान दो? ध्यान से देखिए। नहीं सर हम इस पत्थर को नहीं पहचानते और यहाँ पर रखी ज्वेलरी में भी ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ओह कहीं ये पत्थर का टुकड़ा उस चोर का तो नहीं? सर, जिस वक्त चोरी हुई नीलाम घर में काम करने वाले सभी लोग अलग अलग जगह पे मौजूद थे सर। ये रहे उनकी फोटोज और डिटेल्स। क्या पता चला? सब लोग अपनी अपनी जगह पे थे? हाँ सर सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही थे। सर सारे के सारे लोग अगर अपनी अपनी जगह पे थे फिर तो यह काम किसी बाहर के आदमी का है। मुझे लगता है फ्रेडी ये कोई पेशेवर मुजरिम है, वरना बिल्डिंग में इतनी ऊपर चढ़ के जाना फिर उस कमरे में पहुंचना जहाँ पे तिजोरी रखी है, तिजोरी तोड़ के चोरी करना आसान काम नहीं। सर सबसे बड़ी बात है कि अलार्म तक नहीं बजा। जिसे सबसे पहले बजना चाहिए था वही नहीं बजा। वही तो, एक तो अलार्म नहीं बजा, दूसरे चोर ने अलार्म बंद करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ सर उसने सिक्योरिटी की कोई भी चीज को बंद नहीं किया। सर ये काम किसी आदमी का नहीं है। सर अलार्म बंद नहीं किया, आदमी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मर सकता था। ये काम किया किसने होगा? कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं? हाँ क्या करें, घर चलें? क्यों? अरे भाई तुमने पता लगा लिया चोरी किसने की है तो हम लोग टाइम क्यों बर्बाद करें? चलो भाई चलो, रेड्डी साहब ने चोर को पकड़ लिया। अरे सर सर मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था सर। एक्चुअली मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं चलो यार चलो। अरे सर मेरी बात सुनो, विवेक के सामने मेरा कचरा मत करना। ये ठीक है कि ये काम किसी बाहर के आदमी ने किया है, लेकिन इसमें नीलाम घर का कोई आदमी जरूर मिला है जिसे लेजर की किरणों के बारे में सब कुछ पता है। यस सर। फिर तो सर उसने बहुत अच्छे से रिहर्सल्स की होगी उस तिजोरी तक पहुंचने की। मगर सर रिहर्सल कैसे की होगी? नीलाम घर में सबको पता चल जाता अगर रिहर्सल वहां पे की होती तो। अगर नीलाम घर का नक्शा चोर के पास है
तो वो कहीं भी कभी भी रिहर्सल कर सकता है। सर ये जगह का नक्शा तो सिक्योरिटी वालों के पास में ही होता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी में से किसी ने उस नक्शे को चोर को दिया हो? जिस आदमी की अंगूठी का टुकड़ा है ये, वही आदमी चोर से मिला हुआ है। फिर तो सर वो आदमी जरूर किसी ज्वेलर के पास जाएगा अपनी अंगूठी को ठीक करवाने। जरूर जाएगा फ्रेडी, शहर के जितने भी ज्वेलर से सबको अलर्ट कर दो, कोई भी आदमी अंगूठी ठीक कराने आए फौरन हमें बताए और अपने खबरियों को भी लगा दो। तब तक नीलाम घर के सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। देखिए हम लोग ऐसे नहीं कह रहे, कोई तो है जिसने सिक्योरिटी की सारी जानकारी उन चोरों को दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी सिक्योरिटी में से कोई भी आदमी इतनी बड़ी गद्दारी तो नहीं कर सकता। चोर को अच्छी तरह से पता था क्या चुराना है और कैसे चुराना है, ये चोरी सिक्योरिटी के नक्शे के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन मैडम सिक्योरिटी के नक्शे तो तिजोरी में होते हैं, ये चोरों के पास कैसे पहुंच सकता है? और कल भी रोज की तरह वॉल्ट की चाबी तिजोरी में सबके सामने रखी गई थी और सारे बच्चे तिजोरी में। ये तिजोरी की चाबी किसके पास आती है? मेरे पास है। देना। अरे इस चाबी पे तो साबुन लगा है। फिंगरप्रिंट्स है क्या? जिस वक्त चोरी हो रही थी उस वक्त आप लोग कहां पे थे? सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। हमें सीसीटीवी की फुटेज चाहिए चोरी होने से 24 घंटे पहले तक। क्या हो गया आप लोग, सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। चैंत सीसीटीवी कैमरे की सीडीज थी। फिलहाल इस चाबी की हमें जरूरत है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये चाबी हमारे पास रहेगी। यस सर, सीडी तो लाया हूं लेकिन एक सीडी इसमें कम है जिसपे आई लिखा हुआ था और उसमें 7 से 7.5 G की रिकॉर्डिंग। मगर सीडी कैसे गायब हो सकती है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे चोरी हो गई यहाँ पे। हो ना हो उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी भी होगा जो चोरों के साथ मिला हुआ है, इसलिए तो वो सीडी ही गायब हो गई। एक बात तो पक्की है कि आप लोगों में से कोई चोर से मिला हुआ है। एक्सक्यूज मी जी, ये पत्थर पहचानते हैं? ये तो गोमेद पत्थर है। अच्छा बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर होगा ये? पत्थर देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर? बेहतर होगा आप किसी और दुकान पे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये पत्थर कहाँ मिला आप लोगों को? तुम पहचानते हो इसे? हाँ पर मिला कहाँ? ये हमें एक चोरी वाली जगह पे मिला है। आप लोग कौन है? PID। शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और हमें ये पत्थर का टुकड़ा वहीं से मिला है। जिस अंगूठी का ये पत्थर है वो तुमने बनाई है? बनाई मैंने तो नहीं, मगर एक अंगूठी ठीक होने के लिए मेरे पास आई है, शायद ये पत्थर उसी का। कहाँ है दिखाओ सर। एक मिनट सर अभी निकालता हूँ। ये देखिए सर ये टुकड़ा इसी पत्थर का है। नाम क्या है आदमी का जिसने ये अंगूठी बनवाने के लिए दी थी? अभी बताता हूँ सर। ये देखिए सर इस आदमी का है। ये? इसने किया चोरी? मिस्टर अभिमन्यु इस अंगूठी को पहचानते हो? सर ये अंगूठी तो मेरी है। देखा पकड़ा गया ना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए सर। आप लोग कैसे विश्वास कर लें? तुम्हारी अंगूठी का टूटा हुआ पत्थर हमें वहां से मिला है जहां से चोरी हुई थी। सर ये अंगूठी 2 दिन पहले टूट गई थी और वैसे भी वहां पर सिक्योरिटी के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता सर। घुस सकता है, नकली चाबी बनाई है तुमने वहां की जहां पे नक्शे और ब्लूप्रिंट रखा हुआ था, समझे?
असली चाबी के ऊपर हमें साबुन मिला है और उसी चाबी से चोरी भी की गई। सर मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि हर ताले को दो दो तीन तीन बार चेक किया जाता है, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। सर ये चाबी थोड़ी देर के लिए स्वाति के पास रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने करवा दी चोरी? नहीं सर, सर मुझे नहीं लगता कि स्वाति ये काम कर सकती है क्योंकि कैमरे की नजर हर वक्त उस पर रहती है। सर जब हम लोग वहां पे गए थे तो स्वाति बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रही थी, कहीं साबुन उसकी जेब में तो नहीं था? सोसाइटी का वॉचमैन कह रहा था कि स्वाति जिम में ही आई है। मगर ये कौन सा वक्त है जिम में आने का? क्या पता वो यहाँ पे आई भी है कि नहीं, अगर घर में कोई होता तो बता भी देता, लेकिन वो तो अकेली नहीं थी ना। जिम में देखते। सॉरी सर जिम का टाइम खत्म हो गया, आप शाम को आना, हमें अभी काम है। आप इस जिम के मेंबर हैं? हम लोग जिम के मेंबर नहीं है, सीआईडी मेंबर है। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी, आपके जिम की एक मेंबर है स्वाति, उससे हमें कुछ पूछताछ करनी है। जिम में है ना वो? जी स्वाति हमारे जिम की काफी पुरानी मेंबर है। वो रही स्वाति। तो स्वाति जी आप यहाँ पे और हम आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर गए। पर क्या काम है आप लोगों को? काम है इसलिए तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हमें उस आदमी का नाम पता करना था जिससे आपने नीलाम घर की नकली चाबी बनाई। बताइए स्वाति। ये तो मर गई है। मर चुकी है? हारिका, इसने जो कुछ भी खाया होगा ना वो इस लिक्विड में होगा, जरा चेक करो क्या क्या है इसमें। जी सर। सर एक मिनट। क्या हुआ? हाँ ये देखिए सर। ओह माय गॉड, ये बात है। देखा सर आपने, सालूम के साहब हाथी की तरह सर हिला रहे। अरे तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ रही है आजकल फ्रेडी। हाँ अरे एक मिनट सालूम के साहब छोड़िए, क्या बताइए आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मेरी तबीयत एकदम ठीक है बॉस, लेकिन मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे सुनकर
शायद आप लोगों की तबीयत खराब होने वाली। अच्छा मैं बताऊं? तुम? हाँ बताओ। इस औरत की मौत जहर से हुई। तुम्हें कैसे मालूम? अरे आप लोगों के पास एक ही हथियार है हमारी तबीयत खराब करने के लिए, जब भी बात समझ में ना आए बोल दीजिए कि मौत जहर से हुई। नहीं नहीं हुई है मौत जहर से? हाँ हुई है, जहर खाने से ही हुई है। दिमित्री नाम के जहर से हुई है बॉस। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर होता है, पोटेशियम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मगर सर ये जहर दिया किस चीज में? या तो खाने में या फिर अल्कोहल में। स्वाति जिम में गई थी सर, जिम में। वो खाना खा के जिम में जाएगी क्या? ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात और पता लगी है बॉस। क्या? अभी तुम बता रहे थे कि ये स्वाति सिक्योरिटी ऑफिसर थी किसी नीलाम घर में। हाँ तो इसमें अजीब बात क्या है? ये तो उसका काम था। नहीं नहीं अजीब बात इसके काम में नहीं है, अजीब बात जो है वो यहाँ है। आओ मैं बताता हूँ। ये एक्सरे देखो, तुम्हें इस एक्सरे में कुछ अजीब लगता? ये जोर की हड्डी में बैलेंस गड़बड़ है। बिल्कुल, और इसे कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ये अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो या तो बहुत ज्यादा डांस करते हैं जैसे डांसर्स, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्रोबैट्स को भी तो हो सकती है ना, ये लोग जो हवा में कलाबाजी करते हैं जैसे सर्कस में काम करने वाले लोग। नीलाम घर से चोरी करने वाला एक्रोबैट्स भी हो सकता है, और ये स्वाति उसे जरूर जानती हो। वापस क्लब चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा ये स्वाति वहां करने क्या गई। देखिए हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि स्वाति ने यहाँ पे कुछ खाया था क्या? नहीं सर, वो तो यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने आती थी। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। कमाल है, स्वाति ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से कुछ खा के आई थी? एक्सरसाइज करने से पहले कोई कुछ खाता ही नहीं है, मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ कि स्वाति ने यहाँ एक्सरसाइज की थी क्या? नहीं सर, वो तो बस कुछ लोगों से मिली फिर यहाँ से जाने लगी, तभी आप लोग आ गए। कुछ लोगों से मिली थी? हाँ सर, पिछले 2-3 महीनों से कोई 2 लोग उससे अक्सर मिलने आया करते थे। कौन लोग थे वो? सर ये तो पता नहीं, बड़े अजीब से लोग थे। जब भी मिलते थे चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगा के रखते थे, और कपड़े भी ऐसे पहने होते थे जैसे थिएटर के कोई एक्टर हो। फ्रेडी, ये थिएटर के एक्टर स्वाति से क्यों मिलने आएंगे? वो लोग शायद एक्रोबेट होंगे जो किसी सर्कस वर्कस में काम करते होंगे। स्वाति ने भी कमाल की कलाबाजियां मारी थी। ये चोरी भी किसी एक्रोबेट ने की है जो हवा में इधर से उधर छलांग लगा सकते हैं। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा आप एक काम करो। जी सर। उसका चेहरा बनाने में हमारी मदद करो, हम स्केच बनवाते हैं और पता करते हैं कि वो है कौन। सर जिस तरह स्वाति भागी थी उसे देखकर ये लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी हुई। वो तो है विवेक, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने चोरी की है और जिन्होंने स्वाति से नकली चाबी बनवाई? सर वही लोग होंगे जिनके बारे में वो जिम इंस्ट्रक्टर हमें बता रहा था। उनका स्वाति के साथ झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेके। हाँ, और उस झगड़े की वजह से ही उन लोगों ने स्वाति को जहर दिया होगा। सर स्वाति को जहर खाने या अल्कोहल में मिलाकर दिया गया तो किसी रेस्टोरेंट में ही दिया गया होगा। फिर जब तक पूरी जानकारी सामने ना आ जाए कह नहीं सकते कि रेस्टोरेंट में जहर दिया गया है या कहीं और। लेकिन सर स्वाति गलत घर पे भी नहीं थी। पहले उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग स्वाति के साथ थे, वही बताएंगे कि स्वाति कल रात कहाँ थी, और वही पहुंचाएंगे हमें असली चोर तक। सर जिम के इंस्ट्रक्टर ने जो हुलिया बताया था उसके हिसाब से स्केच बनाए उन लोगों का जो स्वाति को मिले थे। वेरी गुड, अब हम इन स्केचेस को शहर के सारे थिएटर में दिखा के इनके बारे में पता कर सकते हैं, और साथ साथ चोरी के माल पे भी नजर रखो। वो चोर चोरी का माल बेचने कहीं ना कहीं आएगा जरूर। अरे आइए आइए साहब, करना क्या है, फेस मसाज या फिर हेड मसाज? हीरो बना दूंगा एकदम। आज तू मुझे हीरो बना ही दे, पार्टी में जाना है, बाल ज्यादा रगड़ मत देना यार। बोलिए सर करना क्या है? वो तो तू जानता ही है। एक पार्टी पुरानी ज्वेलरी खरीदने आने वाली है एक चोर से। अरे जरा ध्यान से, कुछ उल्टा सीधा मत लगा देना चेहरे पे। पुरानी ज्वेलरी आई कहाँ से? सर
ये तो मालूम नहीं। कहाँ पे मिलने वाले हैं? व्हाइट स्टार रेस्टोरेंट में परसों रात को 10:30 से 11 के बीच में। ज्वेलरी पूरी 10 करोड़ की है। उस ज्वेलरी की कीमत भी आपने इतनी बताई थी ना? ये बता, वो चोर मिला है क्या खरीदने वालों से? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है। फोन पे ही बातचीत हुई है। मतलब चोर ने खरीदने वाले को अभी तक देखा नहीं है। भाई आप तो कह रहे थे कि ये दोनों ही मिलने वाले हमें। आया भाई? सर परेशान मत होइए, बस ये दोनों लोग आते ही होंगे। अरे भाई कब आएंगे, हमारे पास समय नहीं है। देखिए क्या है, हमारे नाटक के लिए हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, देखना पड़ेगा ना। सर थोड़ा सा इंतजार करिए, वो बेचारे आपके साथ काम करने के लिए बेचैन है सर। क्या नाम क्या बताया आपने? केतन और नवीन सर। केतन और नवीन। अच्छा नवीन, ये तुम्हारा साथी केतन कहाँ है? चलो बस आता ही होगा। सर आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कोई भी रोल हो, कैसा भी रोल हो, हम जान लगा देंगे उसमें से। ये तो हमें पता है, क्या है कि हमारी पहचान वालों ने बताया है कि आप लोग तो नाचते नाचते कलाबाजियां दिखाते हैं। हाँ सर, आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। तो फिर एक बंद कमरे से तिजोरी तोड़ के उसमें से ज्वेलरी निकालेंगे बाहर। क्या सर, आप लोग एक्टिंग करवा रहे हैं चोरी? स्वाति ने कहा तो आपने चुपचाप कर दिया, और हमने सवाल किया उल्टा जवाब है। तो स्वाति, लो जिसके लिए काम किया उसका नाम ही भूल गया। कौन हो आप लोग? चेहरे हमें माफ कर दीजिए सर, हमने निदान से चोरी की थी। पार्टी हो रही थी, पर शायद मेरे को उसे किसी ने जहर दे दिया। होटल जे जाएगा, जिसकी हमें तलाश है। क्या? औरत का खून पार्टी की वजह से? सर मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये औरत कल रात यहाँ आई थी पार्टी में? इनका खून हो गया? सर ये पार्टी में आई जरूर थी, मगर इनका आना या ना आना दोनों ही बराबर था। क्या मतलब? ये पार्टी में बिल्कुल चुपचाप बैठे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। अच्छा तुमने किसी को इसके पास आते हुए देखा या बात करने की कोशिश करते हो? नहीं सर, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही थी? ये बार बार अपने फोन की तरफ देख रही है, जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रही है। फिर किसी का फोन आया? फोन तो आया था, मैं चुपचाप उनके पास गया तो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया, वो किसी से पैसे के लिए कुछ बात कर रही थी। हेलो, तुम कुछ भी करो, बैंक लूटो, घर बेचो या फिर खुद को बेचो, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। पैसे की बात? और धमकी, उसके बाद क्या हुआ? अब बैग में से एक लिफाफा निकाला और नीचे फेंक दिया। लिफाफों को पैसे कुछ लगा तो भी पार्टी में जरूर उस लिफाफे में कुछ होगा। फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर फोन आया और वो फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन स्वाति की मौत तो खाने में जहर की वजह से, और ये कहते हैं कि उसने यहाँ कुछ खाया नहीं, तो फिर उसके शरीर में जहर आया कहाँ से, किसने दिया जहर? अच्छा ये लिफाफा कहाँ गया? फिर मैंने फौरन लिफाफा उठा लिया सर। तुमने खोल के देखा भी होगा? जी हाँ सर, उसमें एक सीडी थी। कहाँ है वो सीडी? मैंने फेंक दी। कहाँ फेंकी? सर आज ही इस होटल की सफाई हुई है, शायद वो सीडी अभी भी कचरे के डब्बे में होगी। चलो दिखाओ हमें जल्दी। सर ये वो कचरे का डब्बा।
यही वो सीढ़ी। हाँ सर यही है वो सीढ़ी। लेकिन ये सीढ़ी तो टूटी हुई है। सर ये टूटी हुई थी। टूटी हुई थी? लेकिन ये टूटी हुई सीढ़ी ही हमें उस चोर तक पहुंचाएगी। ग्यारह बजने वाले हैं सर, वो लोग अभी तक आए नहीं। इन लोगों को हमने पकड़ा है, वो कह रहे थे ना 11 पौने 11 तक आएंगे, 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बेटा जरा मेनू कार्ड लेके आना। हाँ मेनू कार्ड लेके आओ। जो खाना है खा लो। ये है वो। ये है वो। काला सूट पहन के जो बैठा है ना वही है, सामने बैठा है। जो लीला है जो जो ज्वेलरी बताया था सब लाया। हाँ सर देखा। ठीक है ज्वेलरी तो वही है ना जो नीलाम घर से चोरी हुआ था। हाँ बिल्कुल वही है। इसे कहते हैं आदमी एक और गुण अनेक, जैसे सिक्योरिटी इंचार्ज भी और अच्छा खासा चोर भी। आज तक तो कोई भागा नहीं है सीआईडी से। कौन था तुम्हारे साथ? ये काम तुमने अकेले ने नहीं किया है, कोई और है तुम्हारे साथ, कौन है वो? सर मैंने कहा ना कि मैं अकेला ही था और ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। बस देख सीधी तरह से रास्ते पे आ जा, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर चाहे आप मेरी जान ले लीजिए सर, फिर भी मेरा जवाब यही होगा, ये सब कुछ मेरे इशारे पर हुआ। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है ना तो तुमने चोरी की है और ना ही स्वाति का खून, कोई और है सबके पीछे, किसको बचा रहे हो तुम? सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सर, अगर ज्वेलरी मेरे पास से मिली है तो मतलब साफ है सर कि अपराधी मैं ही हूं। सर टूटी हुई सीढ़ी जो हमें मिली थी उसका डेटा हम देख सकते हैं इस पेन ड्राइव से। के? अभी पता चल जाएगा। सिक्योरिटी विंग की जो रिकॉर्डिंग गायब हुई है वह है इसमें। ये है वो चोर। क्या बोल रहा था बीबी, कब टूटी इसकी अंगूठी? चोरी के 2 दिन पहले सर। और इस रिकॉर्डिंग में अंगूठी बिल्कुल ठीक ठाक है। चोरी के 2 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है ये, 27 अप्रैल शाम 7:15 बजे। अब भी झूठ बोलेगा पलाश? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मैं जानता हूं सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं बहुत मजबूर हूं सर, उसने मेरी बीवी को बंधक बना लिया सर, सर अगर मैंने इसका बचाव नहीं किया तो सर ये मेरी बीवी को मार डालेगा सर। सर आप नहीं जानते कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को पलाश, कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो पैसे लेके आएगा तो छोड़ दूंगा, फिर छूंगा आजाद होगी उसके साथ। बॉस, बॉस उसने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा, तभी उसे आने में इतनी देर हो रही है। बॉस,
कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआईडी वालों ने उसे पकड़ लिया? उसका फोन आया मेरे पास, पैसे लेके आ रहा है वो, हमेशा गलत बात करेगा। वो देखा गया, चल चले गया उसे। अरे यार मैंने अरे क्यों बेटा, तुझे तेरे पैसे मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दे। तू मुझे शक्ल से और अकल से बेवकूफ समझता है? मैं तुझे छोड़ दूं ताकि तू सीआईडी को सब कुछ बता दिया? पकड़े धोखा गया अभिमन्यु, तुझे कहा था कि अगर तेरे पास पैसे मिल जाएंगे मैं छोड़ूं, मेरे बीवी को छोड़ देगा? मैं हीरे जवाहरात चुराने के सपने देखना भूल जाओ, ले चलो सबको। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।